रुपया 60 पैसा शासन से आ रहा हूँ, 15 रुपया 60 पैसा दो, नहीं तो कलेक्टर तक जब बात पहुँच जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाओ। ठीक है, पता कर लूँ फतेहपुर की समिति को का हाल होगा। दमोई जिले की पथरिया विधानसभा से विधायक रामबाई सिंह परिहार किसानों के साथ हो रहे खरीदी केंद्र पर शोषण को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रही हैं और वह खरीदी केंद्र पर पहुंचकर समिति प्रबंधक को खरी खोटी सुनाती हुई नजर आ रही हैं। टाइटन वर्ल्ड शोरूम, यहां आपको मिलेंगी ब्रांडेड घड़ियां, चश्मे, पर्स, बेल्ट, साथ ही इंटरनेशनल ब्रांड भी उपलब्ध। हमारा पता है HDFC बैंक के पास, जबलपुर रोड, मकरोनिया। जानकारी कहती है कि पथरिया विधायक रामबाई सिंह परिहार केवलारी खरीदी केंद्र समिति प्रबंधक को खरी खोटी सुनाती और हड़काती हुई दिखाई दे रही हैं और कह रही हैं कि अगर गरीबों के साथ गलत व्यवहार होगा तो लफड़ा हो जाएगा। दरअसल विधायक रामबाई से किसानों ने शिकायत की थी कि ग्राम केवलारी खरीदी केंद्र में सैंपल के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं लिया जा रहा है, जहां विधायक रामबाई सीधे केवलारी खरीदी केंद्र का निरीक्षण करने पहुंच गईं और पल्लेदारों की मांगों को लेकर केवलारी समिति प्रबंधक वीरेंद्र पटेल द्वारा पल्लेदारों को मजदूरी पर्याप्त न मिलने से किसानों से दलाली के नाम पर गेहूँ मांगे जा रहे थे, जहाँ विधायक रामबाई ने खरीदी केंद्र पहुँचकर किसानों की समस्याएँ सुनी और उनका तत्काल निराकरण किया और सैंपल के नाम पर लिए जा रहे गेहूं को गरीबों में बांटा। और विधायक रामबाई ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर किसानों के साथ गलत व्यवहार किया गया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा और किसानों के साथ गलत हुआ तो लफड़ा हो जाएगा। नहीं मजूरी, अरे वाह मजूरी तो जो आपके लाने लगा भाई, कमीशन में लग सब चीजें, जो रबर रथ है तो जो कहाँ जात, आप बताओ 3.5 क्विंटल आपने रख ला हुआ है। अतिरिक्त आदमी लगावे के लाने भी आप जो किसानों से नहीं ले सकते सैंपल के नाम से, सैंपल ने वो बंद कर दो बिल्कुल आप। हाँ और जो तुम्हारा जो रखो जो तुम्हारे अंडर में नहीं रहे, ठीक है कल से नहीं लाओ जी, तो हो गई बात, कल से अगर जे काम होने तो हमारे फोन लगाइयो जिनके संग एक नियम जी छापा को क्या नहीं, बिल्कुल नहीं जो तुम्हारा शासन दे रहे या किसान को ले रहा है जा बताओ, हम जे अब निपटा नहीं रहे यहाँ, हम कब शिकायत करे वही निपट दे, कल से अगर जा गलती हुई तो हम सीधी शिकायत करें। हाँ जो तुम्हारा सैंपल रुपया 60 पैसा शासन से आ रहा हूँ, 15 रुपया 60 पैसा दो, नहीं तो कलेक्टर तक जब बात पहुंच जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाओ। ठीक है, पता कर लूँ फतेहपुर की समिति को का हाल होगा। ठीक है, अब ताकि अब जा बताओ, जब इन्हों आप 12 रुपया दे हो तो भी तो किसान की ढेरी में से सूपा भर हैं इन, देखो आप इनको 15 रुपया 60 पैसा को फाइनल कर दो, भी सब करके दे हैं। ठीक है, अब इनकी शिकायत नहीं आ जाए ना, गरीबों के साथ अत्याचार हुई है तो दो ही तरफ से कर रो लफड़ा बने भैया जी, नहीं दे में पैसा तो हमें बताइयो फिर तुम्हारा, अब ने लइयो किसान 1 क्विंटल 2 क्विंटल 3 क्विंटल 3.5 क्विंटल आप भरे 11,000 क्विंटल खरीदी हो गई, इतना नहीं हो सकता यार, 11,000 क्विंटल में आप उतना ही ले रहे कहाँ, नहीं एक किलो 1.5 किलो इतना ले रहे आप, नहीं जो गेहूँ आपके हैंड ओवर न रहे जो, ठीक है तो लाई उतना ही रहे जितनी हमने बताई है, कलेक्टर साहब से बात करवाओ आपके उसे, हमारी हो गई कलेक्टर साहब से बात, तो लाई नहीं हो सका जितने उम्र है, जितना शासन का नियम है 500। फिलहाल विधायक रामबाई बेंसी तो अपनी दबंग अंदाज को लेकर सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन अब रामबाई किसानों की शिकायत पर खरीदी केंद्र पहुंचकर समिति प्रबंधक को भी खरी खोटी सुनाती हुई नजर आ रही हैं और विधायक रामबाई का यह अंदाज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। नरेंद्र आठिया के साथ प्रमोद शर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज, पथरिया। सन 2002 से आपकी सेवा में श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, कुशल कारीगरी एवं शुद्धता की गारंटी के साथ। पता याद रखें, मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश।